हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज आपके लिए यहां पे मैं लेके आया हूं दो नए कोर्सेज। आपको पता है अनअकैडमी प्लस के ऊपर हम पढ़ रहे हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डाउट सेशंस के साथ और क्वेश्चंस के साथ और एक अलग तरीके से वहां भी हम स्टडी कर रहे हैं अदर देन यूट्यूब। तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर कौन से दो नए कोर्स लेके आए हम आपके लिए, यही आपको बताने के लिए यहां पे आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो हमारा कौन सा रहेगा, रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग शुरू होगा और साथ में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सो ये दो सब्जेक्ट्स आपके डेली चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, जिससे कि जो आपकी तैयारी है, जो पेस है, उसकी जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो यूट्यूब पे तो आप पढ़ ही रहे हैं और जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं, आपको पता है प्लस के ऊपर हमने सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रखे हुए, रिपीट ना करें हम यूट्यूब वाले, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो। तो ये दो सब्जेक्ट्स हम लेके आए हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपको पता है सीबीटी 2 जो आपका है 150 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको सिविल जो आपकी है 100 मार्क्स की पूछी जाएगी और 50 जो है आपका नॉन टेक होगा। इस अगर 100 मार्क्स की आपको बात की जाए, अभी तक हमारी प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं, तो आप यहां पे देखिए, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ऑलरेडी हम यूट्यूब पे कवर कर चुके हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, लगभग हम कह सकते हैं 70-80% हम कवर कर चुके हैं बीएमसी को मिला के और आरसीसी को मिला के। आरसीसी आपका चल रहा है और प्लस भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जैसा आपको पता है अगर आपने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है प्लस के लिए। फिर उसके बाद बात आती है सर्वेइंग की। सर्वेइंग हम पढ़ चुके हैं यूट्यूब प्लस दोनों के ऊपर, कैट जो हमारा है ये अभी बचता है। फिर बात आती है जियोटेक इंजीनियरिंग की, तो सॉइल जो हम यूट्यूब पे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन जल्द ही इन दो सब्जेक्ट्स के बाद हम यहां पे शुरू कर देंगे अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी। फिर हमारा हाइड्रोलिक्स है, ये ऑलरेडी प्लस के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हाइड्रोलिक्स। इरिगेशन इंजीनियरिंग आपको पता है यूट्यूब पे हो चुका, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारी है ये यूट्यूब पे हो चुका है और इसको हम प्लस पे भी जल्द लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं पढ़ पाए थे उस टाइम, जिनके अभी डाउट्स रह गए हैं, जिनको ये है कि हां हमें ये डाउट्स क्लियर करने हैं, और ज्यादा सेशंस चाहिए, क्वेश्चंस उनको और ज्यादा चाहिए, और अलग तरीके से अगर उनको नहीं समझ आया है तो अलग तरीके से उसको बताने की वहां भी कोशिश की जाएगी। तो ये तरीके से हम वहां पे फिर से पढ़ेंगे। फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारा है, ये यूट्यूब पे हम कवर कर चुके थे, लेकिन हम अनअकैडमी पे भी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपका अनअकैडमी प्लस पे कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब पे अभी इन प्रोग्रेस है। स्टील स्ट्रक्चर अभी यूट्यूब पे होना है, वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो आप अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ जाके आप क्लासेस अभी भी देख सकते हैं और वेल इन बिफोर टाइम जो आप अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर हाईवे हम ऑलरेडी वहाँ पढ़ चुके हैं, हाईवे हम ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस के ऊपर हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आपको हाईवे भी पढ़ना है तो वहाँ आप जा सकते हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। हाईवे के बाद अभी रेलवे वहाँ शुरू हो ही गया है। अदर देन दैट जो हमारा बचता है जो आपकी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग यूट्यूब पे हम कवर कर चुके हैं, वहाँ भी पढ़ेंगे। एडवांस कंस्ट्रक्शन, ये जो सब्जेक्ट है आपका ये पेंडिंग है, ये इन सब्जेक्ट्स के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात आती है तो ये नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो हम अभी शुरू करने वाले हैं संडे से। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट्स हैं, लास्ट हमारा आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। अब सिंपल सी बात है कि आपको पता है हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस है आरआरबी जेई का ऑलरेडी कवर हो चुका है, और ये सब्जेक्ट्स जो यूट्यूब पे भी हो चुके हैं, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे, अब डिफरेंस क्या है कि यहां पढ़ें तो वहां क्यों पढ़ें, तो पहली बात तो यही आ जाती है कि जो जो सब्जेक्ट्स अभी यूट्यूब पे कवर नहीं हुए हैं तो वो वहां पे डबल स्पीड से कवर हो रहे हैं वहां, क्योंकि डबल टाइम में क्लासेस चल रही है अपनी। डेली दो क्लासेस होती है यूट्यूब पे, डेली एक क्लास होती है, तो वो स्पीड भी बन पा रही है। प्लस उसके अलावा हम जल्दी वहां पे जो टेस्ट सीरीज है वो भी लेके आने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए, तो टेस्ट सीरीज होंगी। इसके अलावा आपको क्विज मिलती है, आपको पता ही है कि जो हमारा प्लस का पैटर्न है हर 3 क्लासेस के बाद डाउट सेशन होता है, तो डाउट सेशन भी वहां पे हम लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके ओवरऑल जो तैयारी है, ओवरऑल जो आपका नॉलेज है वो ब्रश अप हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एक नॉर्मल वे से अगर आप तैयारी करें और उस प्लेटफॉर्म पे अगर तैयारी करें आप। तो ये हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट है। अब तक आई होप सो आप सबको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। मैं स्टार्टिंग में मैंने कभी इसीलिए नहीं बोला कि हम सिलेबस जल्दी कवर करा देंगे, जल्दी करवा देंगे। आप अब देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस जो हमारा है ऑलरेडी कवर हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं बाकी सब एग्जाम्स में, रेलवे में वो पूछा गया है, तो उन सब्जेक्ट्स को भी हम बिल्कुल कर लेंगे कवर।
लेकिन जो अपने मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं या इन प्रोग्रेस हैं। तो जल्दी हम सॉइल मैकेनिक्स हैं वो भी शुरू करेंगे अन अकेडमी प्लस के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे हैं कि प्लस पे हो कब शुरू होगा तब हम ज्वाइन करें, उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो हमारे दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, रेलवे इंजीनियरिंग है हमारा और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, वो शुरू होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं। फटाफट मैं बता देता हूँ उस प्रोसेस को जो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमें प्लस कैसे ज्वाइन करना है। आपको पता है अन अकेडमी प्लस कोर्सेज क्या है, जहाँ पे आप वाईफाई स्टडी के सारे एजुकेटर से पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ आप जो और एजुकेटर्स हैं जो रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं वो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप आरआरबी की क्लास ले रहे हैं तो आपको रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है, अपना गोल रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करेंगे अगर आप, तो इसके अंदर आप जेई भी पढ़ सकते हैं, एनटीपीसी के लिए भी पढ़ सकते हैं, एक सब्सक्रिप्शन में आप ये दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों। तो बात करें कैसे करना है हमें, आपको जाना है बस प्ले स्टोर के ऊपर, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको वहां पर सेलेक्ट करना है, सर्च करेंगे तो लर्निंग ऐप आ जाएगी, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको वो सबसे पहले यहाँ पे आपसे फोन नंबर मांगा जाएगा रजिस्टर करने के लिए, आप फोन नंबर दीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपको अपना गोल चूज करना होगा। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो आपको रेलवे एग्जाम इस तरीके से डिस्प्ले होगा, नहीं तो आपको जो अगर आप मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं तो अदर एग्जाम्स के अंदर जाके आपको वहां पे देखना होगा। तो अदर एग्जाम्स में जाके रेलवे सेलेक्ट कर लीजिए, रेलवे जब आपका सेलेक्ट हो गया तो आप उसको डन क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको जाना है प्लस पे, जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पे जो प्लस दे रखा होता है आपको बार में, फिर आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे करें तो एक बार इंश्योर कर लीजिए कि आप रेलवे के लिए ही सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ना, ठीक है, तो आप किसी और एग्जाम के लिए एनरोल ना कर दें। तो रेलवे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे रेलवे ही है। रेलवे लेने के बाद आप अपना प्लान चूज कर सकते हैं कितने टाइम के लिए आपके लिए सुटेबल रहेगा, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ, और जो भी आप प्लान चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस डिस्प्ले हो जाएगा। वाईफाई स्टडी का कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो प्राइस आपको इफेक्टिवली जो है वो 10% कम पड़ेगा। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जितने भी पेमेंट ऑप्शंस हैं यूजुअली जो चल रहे हैं वो सब आपको अवेलेबल दिखाई देगा, नेट चाहे आपका नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरीके से आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आप फिर से प्लस पे जाएंगे, प्लस पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे एजुकेटर्स में जब आप वाईफाई स्टडी को सर्च करेंगे तो वाईफाई स्टडी को आप फॉलो भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वाईफाई स्टडी में आप देखेंगे तो आपको यहाँ सारे कोर्सेज आपको डिस्प्ले होंगे। प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी सेक्शन के अंदर हमारे टेक्निकल कोर्सेज चलते हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जिस कोर्स पे भी आप जाएंगे तो ये चेकबॉक्स को मार्क कर लीजिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, एनरोल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर हमने प्लस ले तो लिया, पहले की क्लासेज नहीं दिख रही हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए पहले की जो क्लासेज होंगी वो कंप्लीटेड सेक्शन में दिखाएगा, ऑनगोइंग में जो हमारी चल रही है वो दिखाएगा। तो उस पर आपको जाके चेक सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप एनरोल पे क्लिक कर लेंगे तो आप उस कोर्स के लिए एनरोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपके डाउनलोड भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, जो एनरोल्ड होंगे वो आपके एनरोल्ड सेक्शंस में दिखाएगा। तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, आप खुद से भी इस चीज को एक बार करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके कोई इश्यूज हो, क्वेरीज हो, तो आप 8448447780 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप क्लासेस में भी लाइव में पूछ सकते हैं, जो अपनी आरआरबी की क्लासेस होती हैं। एक बात और बता दूं आपको एडअप करने के लिए कि हमारा जो एसएससी जेई के लिए भी क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, तो ये आपका शुरू होने वाला है मंडे से। तो एसएससी जेई के लिए क्रैश कोर्स अगर आपको करना है कंबाइंड, जो टोटली ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे चलेगा, टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के पैटर्न पे चलेगा, तो ऐसा भी नहीं है कि वहां पे सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहे हैं और कुछ बताया नहीं जा रहा। वहां पे क्या हो रहा है, पूरे सब्जेक्ट को हम एक समराइज्ड वे में पढ़ने वाले हैं ताकि वो रिवाइज हो जाए हमारा, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो चलेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। इन शॉर्ट 40 क्लासेस आपकी डिजाइन की गई हैं, तो उनके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों समराइज करेंगे, मिलते हैं इन कोर्सेज के साथ। ये जो आपके रेलवे के कोर्सेज हैं संडे से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कल से, यानी कि और मंडे से 29 से हमारे शुरू होने वाले हैं एसएससी जेई का क्रैश कोर्स। सो थैंक यू सो मच।